और क्या पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा रहे थे ना, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ एडजप्शन समझ में आया क्या होते हैं? देखो प्रोसेस क्या था, एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ने से एक्सटेंट एडजप्शन कम होगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ आता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सटेंट एडजप्शन कैसा होते हैं, कम होते हैं इन केस ऑफ फिजिकल एडजप्शन, ठीक है बेटा। केमिकल एडजप्शन का ग्राफ कैसा होता है इसको ठीक से समझना। एडजप्शन कैसा है बेटा, केमिकल एडजप्शन, ठीक है ना, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो इसका जो केमिकल एडजप्शन का ग्राफ आता है दैट इज समथिंग लाइक, ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें एक्टिवेशन का रिक्वायरमेंट रहता है, आया ना। अब तुम लोग अगर एक्टिवेशन तक की बात करो, मतलब तुम्हारा टेम्परेचर कम है, तुम लोग पहुंचे कहां तक, एक्टिवेशन, इतना एनर्जी जब तक प्रोवाइड करो तब तो रेट बढ़ेगा ना, उस ज्यादा बढ़ा दिए तो फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होता है, तो जिस जैसे कॉमन रिएक्शन का ग्राफ आएगा ऐसे ही आएगा, कॉमन रिएक्शन का ग्राफ ऐसे होता है कि नहीं होता है, आया ना। तो एक रिएक्शन के जैसा हो गया, पहले बढ़ेगा फिर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा विद टेम्परेचर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एक बात और, जो केमिकल एडजप्शन होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, एक ही लेयर का फॉर्मेशन होता है, मोनो लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मोनोलेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। समझ आया मैंने क्या बोला? एक ही लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन केस ऑफ कौन सा वाला एडजप्शन, केमिकल एडजप्शन। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड बना पाएगा, तुम खुद सोच के देखो कि ये एडजर्मेंट है, इस पे कौन आके चिपक सकता है जो इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा? यस सर नो सर, एक ही लेयर बनेगा। लेकिन इन केस ऑफ इन केस ऑफ फिजिकल एडजप्शन ये लेयर तो बनेगा ही बनेगा, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा वो तो आके चिपकेगा, और भी आके चिपक सकते हैं, है ना, क्योंकि वैन डर वाल्स अट्रैक्शन है। क्या दिक्कत है उसमें? क्या होता है बेटा, मल्टी लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मल्टी लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है सर। इसमें क्या होता है, मल्टी लेयर फॉर्मेशन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। कोई समस्या तो नहीं किसी को इसको समझने में? समझ आ रहा है ठीक से? कहाँ मोनो लेयर फॉर्मेशन होगा, कहाँ मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, एडजस्ट। हाँ ये किसके पैर से अटका हुआ है, ये कहाँ अटक गया है, इसको करो, अब करो। हाँ बताओ कौन सा वाला, बढ़ेगा फिर घटेगा? बिल्कुल, पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा घटते हैं। फाइनली लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर का आईआईटी ने कल क्वेश्चन पूछा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का आईआईटी ने कल ही बेटा क्वेश्चन पूछा है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक, सब कोई कर देता है इस क्वेश्चन को। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो, तुम खुद से सोचना इस चीज को, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस रूम के अंदर हम लोग मान रहे हैं कि हमने बीच में पैलेडियम रखा हुआ है, पहले सुनो सब लोग लिखना बंद करके, इस रूम के सेंटर में क्या रखा, पैलेडियम रखा हुआ है, ठीक है ना। आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या होगा, आप कई तरीके से प्रेशर बढ़ा सकते हैं। ऐसा सोचो तुम्हारे पास बलून है, प्रेशर या तो तुम लोग बढ़ाओगे उसमें अमाउंट ऑफ गैस को इंसर्ट करा के, या बलून को कंप्रेस कर, बलून को कंप्रेस करना ही पार्टिकल्स को पास पास लेके आना होता है, और अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाने का मतलब ही पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना एडजप्शन होगा। दोनों ही केस में एडजप्शन बढ़ेगा कि घटेगा? दोनों ही केस में बढ़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग क्या करोगे, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट अगर करके देखें, थोड़ा सोच के देखें, मान लो इतना बड़ा बलून है, ठीक है, बीच में एक छोटा सा क्या कोई भी पार्टिकल रखे, मान लो चारकोल रखे हैं या पैलेडियम रखे हैं, कोई भी और निकल रखे हैं, कोई मेटल सर्फेस वगैरह वगैरह जो भी हम लोग रखना चाहते हैं वो रख लिए, इतना बड़ा बलून, उसको थोड़ा थोड़ा क्या कंप्रेस करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में रेट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ऐसे होगा ना, क्या सेम रेट से बढ़ता ही रहेगा, कॉन्स्टेंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा ना, क्योंकि जैसे ही बढ़ेगा सरफेस उसका कम होता रहेगा, सरफेस कम होता रहेगा रेट कैसा होता रहेगा, फिर बाद में जाके एडजस्टमेंट होगा ही नहीं, जितना उसका कैपेसिटी सब कुछ कर लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रेशर के हिसाब से देखो, वेदर फिजिकल वेदर केमिकल दोनों के लिए ग्राफ कॉमन, सुनो पहले, एक्सटेंट ऑफ एडजप्शन वर्सेस प्रेशर,
ग्राफ कुछ हाँ बलून पे, बलून पे क्यों ऐड होगा बेटा, अंदर बोल रहे हैं बलून पे एक, हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर को बढ़ाने के लिए, बलून को साइज कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा ना, तो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, तो एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना बेटा, क्या हो रहा है, हम लोग क्या किए, हम लोग क्या किए बेटा, प्रेशर बढ़ाए, प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा, पहले कॉन्स्टेंट फिर क्या होगा कम होगा, और फिर कैसा हो जाएगा बेटा, फिर कॉन्स्टेंट है ना, फिर चेंज ही नहीं आएगा, लिखो मत सुनो बस, सुन लो पहले बाद में लिख लेना। देखो यहां से यहां तक मैं बोल सकता हूं कि एक्सटेंट ऑफ एडजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट प्रेशर, यहां पे मैं बोल सकता हूं एक्सटेंट ऑफ एडजप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर टू द पावर जीरो, इस बीच में क्या बोलोगे तुम लोग, एक्स अपॉन एम इज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर, कैसा होगा बेटा, पी की पावर वन से छोटा जीरो से बड़ा, पी टू दी पावर वन से जो भी होगा छोटा होगा, ऐसा लिख दू वन बाई एन, ठीक है, तो इन जनरल हम लोग लिखते हैं, इन जनरल हम लोग लिखते हैं कि एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू दी पावर वन अपॉन एन, कुछ लोगों को वन बाई एन लिखना भी समझ नहीं आया, सुनना रहे कि नहीं, देखो एन का वैल्यू कितना लिख दू मैं वन, तो पी की पावर क्या हो गया, एन का वैल्यू एन क्या होगा बेटा, वन टू थ्री फोर कुछ भी, ठीक है ना, एन का वैल्यू क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कब तक, वन टू इनफिनिटी, एन की पावर वन, तो एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर वन, अरे ये वाला ग्राफ आया कि नहीं आया, अगर एन का वैल्यू कितना लिख दो इनफाइनाइट, तो एक्स अपॉन एम क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर वन अपॉन इनफाइनाइट दैट इज जीरो, आया ना, कोई तो लिख रहे हैं कि वन से लेकर जीरो तक जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं समझ, सीधे सही से बैठो पहले, वो बलून वाला वो केस समझ में आ रहा था क्या, बताया तुम जल्दी से बताओ मुझे, हमेशा रुकेगा नहीं कभी, वही हम किए, देखो पहले बढ़ेगा फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, हाँ वो तो यहाँ समझाए, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट मतलब पी की पावर जीरो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पी की पावर वन, आया ना, बीच में कैसा होगा, घट के जा रहा होगा जीरो तक, वन से कहाँ तक जा रहा है घट के, अरे यहाँ वन है पी की पावर, यहाँ जीरो है, तो वन से जीरो तक घट के जा रहा है ना, हाँ तो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, पी की पावर जीरो ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जनरल एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर वन अपॉन, कोई समस्या, एक्स अपॉन एम विल बी इक्वल्स टू के इनटू पी टू द पावर वन अपॉन एन, आया ना, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समस्या तो नहीं है, एक्स अपॉन एम टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग तो द बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, एलएन लो बेटा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन एम विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एन लॉग पी प्लस लॉग के, आया ना, अलग अलग लिखूं क्या, समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एम वर्सेज लॉग ऑफ के, स्टार्टिंग फ्रॉम किसे स्टार्ट होगा बेटा, इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, लॉग के इंटरसेप्ट बोलते हैं, ऊपर की तरफ रहा ना, सी क्या है बेटा, अच्छा ये ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है बेटा, लॉग के इसका स्लोप क्या है ना, टेन थीटा कितना होगा, वन अपॉन, इसी को स्लोप बोलते हैं, समस्या तो नहीं है, ये ग्राफ दिया था कल वाले पेपर में, पूछा था इसका स्लोप क्या, उठा के देखा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कैसे वेरी करे, वन अपॉन एन रहेगा ना, वन ऑप्शन था वन अपॉन एन,
1 2 0, 1/n, और कुछ नहीं था, और n था, n स्क्वायर वगैरह वगैरह ऐसा करके ऑप्शन। ना 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 बेटा, n ना ना बेटा, n ही। ये कल आईआईटी के 24 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है, लिख दो बेटा, तो लिखना है। और ऊपर क्या, ऊपर क्या लिखे हम, लिखो मल्टी लेयर मोनोलेयर बस, उसमें क्या दिखाए तुम्हें, आप लिख लो ना मल्टी लेयर मोनोलेयर, उतना याद नहीं रहेगा तुम्हें पढ़ने के बाद। बना दिया इसको, देखिए बेटा ये जो ग्राफ प्लॉट किया है वो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या होगा, ये आइसोथर्म होगा, इसको बोलते हैं एफ आर ई यू एन डी, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, उन्होंने बनाया है इसको, इसलिए बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही आइसोथर्म बोथ आर प्लॉटेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ग्राफ को क्या बोला जाता है, आइसोथर्म ही बोला जाता है। तो क्या समझते हैं, इनको बोलते हैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एफ आर ई यू एन डी, ठीक है ना, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इसको हम लोग बोलेंगे। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा एडजप्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। वैसे एक बात और हम लोग इसमें करें, तो एक ये बताओ थोड़ा सा, एक ग्राफ बनाते हैं एक्स अपॉन एम वर्सेस प्रेशर ग्राफ। टेम्परेचर टी वन पे, टी टू पे, टी थ्री पे, रिलेशन बताओ टी वन टी टू टी थ्री का। रिलेशन बिटवीन टी वन टी टू एंड टी थ्री, टी वन ज्यादा है, बताओ बताओ, क्योंकि सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बिल्कुल ना, एक्सटेंट एडजस्टमेंट जो रहेगा। देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दो, प्रेशर कांस्टेंट करके ये देख लो एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा ना, टी थ्री लेस देन टी टू लेस देन टी वन। ठीक है सर, अंकुर रुक गए बेटा, हम तो यही रहेंगे आज। आ गया, ठीक है, तो लिखो एडजस्टमेंट फ्रॉम पीछे, मतलब लिखे नहीं हो, और तुम सोचते हो सर इसमें भी ग्राफ ग्राफ क्यों बना दिया, हम तो भाई पढ़ते नहीं भाई वाली को, उसमें ग्राफ पढ़े हैं कौन सी, किसका ग्राफ है भाई वाली, तो उसको तो हम रोज बनाते हैं। तीन चार ग्राफ,
एक एंडोथर्मिक का, एक एक्सोथर्मिक का। एडजॉर्प्शन इज आइसोथर्म, इसका नाम बोला है फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका नाम है। हाँ ये दोनों ही ग्राफ आइसोथर्म है, किसने बनाया फ्रेंडलीच ने, इसको बोलते हैं फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हो गया केमिकल के लिए नहीं बनेगा बिल्कुल, जो भी बनाए पीछे वाला जो पूछ रहे थे थोड़ा सा मोनोलेयर मल्टीलेयर देख रहे थे। हो गया सर इतना, ये भी हो गया, लिखो बेटा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है ना, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन से एडजॉर्प्शन कैसे होते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, तो बेसिक है, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं इसमें हम लोग, बस ये बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन तुम लोगों के पास में है, ठीक है सर, इसमें कुछ डाई है, तुम लोगों ने चारकोल रख दिया, चारकोल क्या कर देगा, इसको कलरलेस कर देगा, डाई को एडजॉर्ब कर देगा, तो यहाँ पे भी एडजॉर्प्शन होता है ना। एडजॉर्प्शन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, अगर मैं उसमें भी एक और फैक्टर लिखवाऊंगा, अगर गैसेज वाले में नोट करके लिखवा दूंगा लास्ट में भूल गया हूँ, तो अगर हम लोगों के पास में ये सरफेस इस पे एडजॉर्प्शन होगा तो कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करेंगे, तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो बाकी चीज तो बेटा सेम ही है, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का तो सेम ही इफेक्ट होता है एडजॉर्प्शन पे, लेकिन प्रेशर का बेटा कोई इफेक्ट होगा, यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टू द पावर 1/n, सेम रिलेशन विद कॉन्सेंट्रेशन जो प्रेशर के साथ में था, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम सोचो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए तो पहले एडजस्टमेंट बढ़ेगा, फिर क्या होगा, कमी होता चला जाएगा, एक टाइम पे बंद हो जाएगा, एडजस्टमेंट तो स्टॉप हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहले ज्यादा था फिर धीरे धीरे कम होता गया, एक टाइम पे जाके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। तो एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू x/m = k c^1/m, हम लोग ग्राफ प्लॉट इसका नहीं कर रहे, आप चाहें तो सेम बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक पॉइंट नोट करके तुम लोग लिख लेना, दोज गैसेस विच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, दोज गैसेस विच हैव हाई, तुमसे पूछे H2 गैस और NH3 गैस में कौन आसानी से एडजॉर्ब हो, तो तुम लोग जानते हो बेटा एडजॉर्प्शन मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा शो करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर तुम लोग पीछे जब वैन डेर वाल रियल गैस पढ़ाए थे तो अट्रैक्शन का कहानी में पढ़ाए थे, कौन से वाले गैस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, NH2 के NH3, NH2 कोई गैस होता है क्या, कौन से वाले गैस में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसका ए ज्यादा होगा, ए ज्यादा होने का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तो दोज गैसेज विच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आर एडजॉर्ब्ड इजीली, दोज गैसेज विच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आर एडजॉर्ब्ड इजीली, ठीक है ना, ऐसे गैसेज जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होता है बेटा, काफी ज्यादा रहता है, तो उनका एडजॉर्प्शन कैसा होता है, आसानी से हो जाता है, समझ आया कुछ, एडजॉर्प्शन का कहानी सिर्फ यही था, पहला टॉपिक खत्म होता है इसका, दूसरे पे चलते हैं, लिखो कोलाइड, इसको ये छोड़ देना, पेज को नेक्स्ट पेज पे लिखना ना, बिल्कुल NH3 का ज्यादा होगा है ना, NH3 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता ज्यादा होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा, ठीक है, नेक्स्ट पेज इसको यही छोड़ देना, क्योंकि छोटा मोटा हो सकता है, NCERT जब पढ़ो कुछ पॉइंट तुम्हें लिखने लायक मिल जाए, ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, कैटलिस्ट नहीं लिखो, दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें कोलाइड,
वैसे लिखो कॉलाइड, लिख लो एडिंग, हम लोग बाकी हम पढ़ाएंगे। एडिंग लिखो कॉलाइड, कॉलाइड ठीक है। कॉलाइड क्या रहता है देखो, अभी इसको थोड़ा ठीक से समझना। हम लोग मिक्सर के बारे में पढ़े हैं, मिक्सर कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का, ठीक है ना। तीन तरीका कौन सा बेटा? सबसे पहला होता है सॉल्यूशन, दूसरा हम लोगों के पास होता है कॉलाइड, और एक हम लोगों के पास में होता है सस्पेंशन, ठीक है सर। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, हाँ या ना? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। कॉलाइड क्या होता है? इट इज अ हेटरोजेनियस मिक्सचर। ये भी हेटरोजेनियस होता है और ये भी हेटरोजेनियस, हेटरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब कैसे पहचाना है कि कौन सा वाला कॉलाइड है, कौन सा वाला सस्पेंशन है? उसके लिए हम लोग सर एक ही तरीका, पार्टिकल साइज के बेस पे जाते हैं, ठीक है ना। कैसा होता है पार्टिकल साइज? पार्टिकल साइज मतलब पानी में तुम लोगों ने किसी को ऐड किया, मान लो NaCl ऐड किया, या मिट्टी डाल दी, या मिल्क डाल दिया, तो तीनों केस में अलग अलग टाइप का सोल्यूशन होना। एक एग्जाम्पल में दिया हूँ सोल्यूशन का, एक कॉलाइड का और एक सस्पेंशन का, तीनों बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि तुम्हें NaCl का पार्टिकल तो दिखता ही नहीं है, मिल्क का पार्टिकल भी नहीं दिखता, इनसाइड लेकिन अगर तुम लोग उसके अंदर टॉर्च वॉर्च लगा के देखो तो थोड़ा बहुत अपियरेंस आ जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के भी हम लोग सॉल्यूशन के पार्टिकल को नहीं देख पाते, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के कॉलाइड का पार्टिकल देखा जा सकता है। कोई लिखना नहीं है, सब लिखवाएंगे। सस्पेंशन का पार्टिकल बिना कुछ लगाए दिखता है घूमता हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कॉलाइड का पार्टिकल तो सुबह सुबह जब धूप आती है, एक घर में थोड़ा बहुत छेद वेद हो रहा हो तो उससे जब धूप आती है तो भी दिखता है। सस्पेंशन का पार्टिकल क्या बोलते हैं उसका? कॉलाइड का पार्टिकल, उसको टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है जब हम लोग लाइट को उसके अंदर से पास करवाएं तो, ठीक है ना। इसमें बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कलर भी अलग अलग देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर दो, एक और दो, बाकी दो कैसा है? हेटरोजीनियस। इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो कैसा होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल होता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कितना तक? 10,000 तक होता है, 1,000 तक, 1,000 तक ना। 1 नैनोमीटर से कितना होता है बेटा? 1,000 तक। समझा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा पार्टिकल और कितना होगा? 1,000 नैनोमीटर से छोटा रहता है, ठीक है। इन सस्पेंशन जो पार्टिकल होगा बेटा वो कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 1,000 नैनोमीटर। अगर बड़ा हो जाता है हम लोगों को बोलेंगे उसमें सस्पेंशन। तो ये बेसिक है, इसी के बेस पे सारी कहानी है, ठीक है ना। ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट विजिबल अंडर, नॉट विजिबल, ये देख ही नहीं सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते और मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। हमारा में क्या बोल रहा हूँ? मैग्नीफाइंग ग्लास और नेकेड आई दोनों से नहीं देख सकते। इसको हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं? नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है। ये तो वैसे ही दिखता है, ठीक है सर। तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने की जरूरत नहीं, तो मैं लगा रवि भी लगा हुआ, हमें क्या दिक्कत? हो सकता है तो मैं ना देखे। दूध वाला एग्जांपल कॉलेज, कॉलेज ठीक है। देखे जाओ, दी आर एक्सट्रीमली स्टेबल। ये कैसे होते हैं बेटा? तुम लोग सॉल्यूशन बनाए, बना के तुम लोग घूमने चले गए, वापस लौट के जैसा बना के गए ऐसे मिलेगा, डिसिप्लिन फॉलो करता है, ठीक है ना। समझा रहे में क्या बोल रहे हो? इधर क्या लिख रहे हैं हम बताओ, तुम क्या लिख रहे हैं? इधर ऊपर क्या लिखा है? सॉल्यूशन लिखा है ना, बट ये कैसे होता है? दे आर क्वाइट स्टेबल। क्वाइट मतलब है ना, है तो सही लेकिन नहीं भी, ठीक है ना। सोनवारा में क्या बोला? दे आर क्वाइट स्टेबल मतलब स्टेबल होते हैं, इनको स्टेबल कह सकते हैं लेकिन स्टेबल
नहीं होते हैं ना। संधारा में क्या बोल रहा हूँ, जैसे दूध और पानी छोड़ दो बैठ जाएगा, है ना, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, 100% ट्रू स्टेटमेंट है ना। दूध और मिल्क को, पानी को बनाओ और छोड़ दो कुछ टाइम बाद, तो थोड़ा बहुत डेंसिटी वेरी करेगा, 100% ऊपर कम नीचे ज्यादा, हैवी पार्टिकल सेटल कर जाते हैं, ठीक है, दे आर अनस्टेबल, है ना, दे आर अनस्टेबल। तुम लोग मिट्टी को डाल दो, 10 मिनट छोड़ दो, नीचे मिलेगी सारी की ज्यादा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिखो इसको कहानी, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स इनके अगर हम लोग डिफरेंस के लिखे हैं तो, हाँ एक हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लोग फिल्टर पेपर से ही पास करा सकते हैं और एनिमल मेम्ब्रेन से ही पास करा सकते हैं, ठीक है, दोनों से पास हो जाते हैं। किससे बेटा? फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा और एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा, इससे ही पास हो जाता है, इससे ही पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हम लोगों के पास में ये वाले पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। ये फिल्टर पेपर से ही पास नहीं होते, एनिमल मेम्ब्रेन से तो पास तब होंगे, है ना। ये बेसिक डिफरेंस है कॉलॉइड और सस्पेंशन का, कॉलॉइड सस्पेंशन और सॉल्यूशन का, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इनका, एनिमल मेम्ब्रेन से पास होना। हाँ एक अच्छी बात यह है कि जो पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट से होता है, कौन कॉलॉइड होता है, टिंडल इफेक्ट से होता है, ब्राउनी इफेक्ट से होता है, वो सभी का प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं, यहां नहीं लिखवा रहा, इनका प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तब इसको लिखवाऊंगा। ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, बहुत सारी चीजें, कलर रहता है, कलर नहीं रहता, क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं होता, वो सब इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोला? देखिए सर हेडी लिखो कॉलॉइड, तो कॉलॉइड कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, क्या रहता है कॉलॉइड, आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें? कॉलॉइड क्या होता है थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत दिमाग में? देखिए सर जो कॉलॉइड होता है इसको हम लोग कितने तरीके का कॉलॉइड होता है ये बताओ। कॉलॉइड को हम लोग अगर देखो, कॉलॉइड में दो चीजें रहेगा, कॉलॉइड जब बनेगा तो दो चीजों को मिक्स करने से बना होगा ना, है ना। तो एक को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डीपी, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डीपी। इसको बोले दूसरा क्या होता है बेटा हम लोग? डिस्पर्जन मीडियम, बिल्कुल डीएम, है ना, एक डीपी और एक डीएम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डीएम, ठीक है। डिस्पर्ज्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के जैसा डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्वेंट जानते हो बस, तो वही डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, सॉल्यूट जानते हो तो वही डिस्पर्ज्ड फेस, बिल्कुल सर, ठीक है ना, इनको मिला के बन रहे। अब लिखो क्लासिफिकेशन, सबसे पहला बेस्ड ऑन डिस्पर्ज्ड फेस, बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डीपी डीएम के स्टेट के बेस पे, बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, स्टेट जानते हो? यूपी, उत्तराखंड और आगरा, ये एक स्टेट है, यूपी में 30 स्टेट हो गए, बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, ठीक है बेटा। देखो इधर लिखो डीपी, इधर लिखो डीएम, डीएम सॉलिड हो सकता है, सॉलिड को सॉलिड के साथ में मिक्स कर सकते हो, लिक्विड इसमें डाल सकते हो, गैस इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा मैं इनके नाम लिख देता हूँ, नाम तो मुझे भी इसके याद नहीं है। देखो सॉलिड सॉलिड को हम लोग सॉलिड सॉल बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड को जेल बोलते हैं,
और गैस सॉलिड को सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्वेंट में आपने खाली सॉल्वेंट वगैरह क्यों लिखा? हाँ सॉल्वेंट में आपने खाली सॉल्वेंट अभी आई किया, मतलब एक तो बता रहे हैं, पहले सॉलिड हो सकता है, फिर लिक्विड लिखेंगे, फिर गैस लिखेंगे, ठीक है ना। देखो सॉलिड सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्ट, लिक्विड सॉलिड को हम लोग बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड को हम लोग बोलते हैं जेल, ठीक है, और गैस सॉलिड को हम लोग बोलते हैं, इसको भी हम लोग सॉलिड सॉलिड बोलते हैं। डीएम जो होगा वो क्या हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, इसमें हम लोग सॉलिड मिला सकते हैं, ये हमें याद है क्योंकि यही पढ़ना होता है। सॉलिड लिक्विड को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, जल्दी से बताओ, सॉल्व बोलते हैं। लिक्विड लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, एरोस्पेस लिक्विड लिक्विड को हम लोग इमल्सन बोलते हैं, ठीक है ना। लिक्विड लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, इमल्सन बोलते हैं, और हम लोगों के पास गैस लिक्विड है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म, इसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं, सॉलिड और गैस को, ठीक है। ठीक है सर, हो गया इतना। इन सब के एग्जांपल्स तुम लोग सोच सकते हो, सॉलिड सॉलिड का मिलाना, ठीक है ना, इसका जेम स्टोन होता है। लिक्विड सॉलिड के तो बहुत सारे हैं, घर पे ये चीज कर्ड क्रीम लगाते हो तुम लोग सुबह सुबह, है ना, फेस क्रीम जो आते हैं वो, है ना, सॉलिड लिक्विड मिला के ही बनता है। चलो सुनो, यहां तक हो गया। डीएम जो होगा वो क्या हो सकता है बेटा, गैस हो सकता है, गैस में किसको मिक्स कर सकते हैं हम लोग, और दूसरा किसको, क्या गैस को मिक्स कर रहे हैं, गैस प्लस गैस ऑलवेज होमोजेनियस, गैस प्लस गैस का मिक्सर कैसा होता है, हमेशा होमोजेनियस, तो उसको सॉल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है ना। सॉलिड को मिक्स करो या गैस को, किसको लिक्विड को मिक्स करो, तो इसको बोलते हैं एरोसॉल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसॉल को, ठीक है ना। थोड़ा सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम लोगों से इसके बेस पे यही पूछता है कि तुम्हें कोई एग्जांपल दे देगा, मान लो मिस्ट दे दिया, मिस्टर तो मिस्ट में तुमसे पूछेगा कि उसमें डीपी क्या है डीएम क्या है, चार ऑप्शन दे देते हैं। मिस्ट का मतलब सुबह शाम जो थोड़ी मोटी धूल रहती है उसको बोलते हैं ना, तो सॉलिड इन गैस हो गया, है ना। तुमसे फॉग पूछ लेगा, फॉग में डीपी क्या है डीएम क्या है, तो फॉग में डीपी क्या होगा, डिस्पर्जिट फेज क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स, वाटर प्लस डस्ट के पार्टिकल्स, और डीएम क्या होगा, डीएम क्या होगा, गैसियस मीडियम, तो ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, सुनो बेटा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो तुम लोगों को पढ़ने से, गैस और लिक्विड का, सोडा वाटर है, सोप है, लेदर वगैरह वगैरह वगैरह, इनके थोड़े से एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। याद नहीं करना है उसको, अभी पढ़ लो, फिर 10 दिन बाद फिर पढ़ लो, फिर 20 दिन फिर पढ़ लो, पेपर में जब पूछे जब पढ़ लो, तो धीरे धीरे याद ही हो जाता है। एक दिन बैठ के याद नहीं करना होता, जब एक दिन बैठ के याद करते हो तो माइंड स्ट्रेस में जाता है, याद भी नहीं होता कभी बाद में, धीरे धीरे। तुम्हें मान लो कि 6 पढ़ना है, तो एक दिन में एक याद हो जाएगा, 6 दिन में 6 हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत क्या है, कल ही आईआईटी का एग्जाम हो रहा है, नहीं, धीरे धीरे करके उसको टाइम दो और हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। देखो इसके आगे कुछ कॉमन नेमिंग हम लोग यूज करते हैं, अगर डीएम हम लोगों के पास में क्या है बेटा, पानी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्वा सॉल्व, ठीक है ना, एक्वा सॉल्व बोलते हैं। अगर डी हम लोगों के पास में क्या है बेटा, एल्कोहल, जिसको हम लोग एल्को सॉल्व बोलते हैं। अगर डी हम लोगों के पास में क्या है बेटा, बेंजीन, तो उनको बेंजो सॉल्व बोलते हैं, कॉमन नेमिंग है। अगर डी हम लोगों के पास में क्या है बेटा, एयर है, तो उसको भी क्या लिखे हम लोग, एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है ना।
लिख लो। इसके लिए हम लोग एक्वा सॉल्व भी यूज करते हैं और हाइड्रो सॉल्व भी यूज करते हैं, दोनों इसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हो गया कॉपी? सॉलिड को पीएम की तरह कैसे यूज करते हैं? उसका जेम स्टोन्स होते हैं बहुत सारे, कैल्शियम जेम स्टोन ही होता है जिसमें गैस के पार्टिकल्स इनसाइड द सॉलिड रहते हैं, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सॉलिड में लिक्विड डालूंगा तो लिक्विड में पानी को लेकिन लिक्विड सॉलिड में सॉलिड पे कैसे लिक्विड डालोगे तो क्यों कैसे मिक्स होगा सर? नहीं मिक्स होगा? लिक्विड में सॉलिड मिक्स हो जाएगा सर, ये तो आपने सॉल्यूशन में पढ़ाया था कि नहीं होता सॉल्यूशन नहीं कोलाइड ये कोलाइड बेटा पगला आ गया। उसका हम तुम्हें एग्जांपल दिए थे, देखो एग्जाम्पल सर सुन लो बेटा, सुनो तो पहले इधर सुनो। हम लोग किसी भी स्टेट में, तुम लोगों से बोला सॉल्वेंट आप किसको बोलते हो जो आपको सॉल्यूशन, जैसे आप लोग मिठाई खाते हो, मिठाई क्या है? मिठाई में डीएम क्या है? सॉलिड होगा। पानी वानी है उसके अंदर, तो डीएम का स्टेट जो होगा हम लोगों को बताएगा, सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा या फिर सॉलिड का स्टेट होगा बताएगा डीएम कौन है। अंदर बहुत सारी टॉफी वॉफी खाते हो, क्या आते हैं वो चेरी वगैरह की आते हैं, उसमें क्या रहता है? सॉलिड दिख रहा है लेकिन अंदर क्या लिक्विड भी है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। सर ये बताइए जैसे डीएम एल्कोहल है तो उसका नाम एल्कोहल होगा यही करिए बिल्कुल हो गया क्या? किसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, डीएम सॉलिड जो होगा, डीपी जो होगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा बिल्कुल, आटे में। ट्रू स्टेटमेंट, क्या दिक्कत है? सुनो अब कुछ नहीं बेटा, इसमें नीचे नीचे कर दिए सर। बेंजोसोल एरोसोल पहले भी लिख दिए इसके। हाँ, सुनो लिखो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वाला, सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन, क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे ना, पहला लिखो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, दूसरा लिखो, दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, डीपी डीएम के इंट्रैक्शन के बेस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं बेटा, बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। ठीक है, डीपी और डीएम में इंट्रैक्शन क्या है उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, पहला होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक सुन लो बेटा, सुन लो, सुना करो तुम लोग बस, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ठीक है, क्या करो तुम? हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक तुम लोगों को सुनाया था कुछ? इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रो क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है ना, वही पढ़ते थे और तुमने तो सुनाई है अभी कल परसों, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो फाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन है ना, तो हाइड्रोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग, इसका मतलब बोल सकते हो लिक्विड एटिंग, सुन लो सर बातें बंद करके सुनो। ठीक है ना, देखो अगर डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीपी एंड डीएम के बीच में क्या होगा, ये कहां से लगता होगा? उधर जाके आते हैं, देखो ना डीपी एंड डीएम में क्या है, डीपी एंड डीएम के बीच में क्या है? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, इनके बीच में क्या होता है बेटा? अगर अट्रैक्शन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। डीपी एंड डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन,
नो अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। समझ आ रहे हैं क्या? यस सर, नो सर। जैसे तुम लोग क्या करो, पानी में अल्कोहल डाल दो, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज डाल दो, घुल जाएगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, वो कैसा होगा बेटा? वो हाइड्रोफिलिक होगा, अल्कोहल का पार्टिकल वाटर से अट्रैक्शन शो करता है। लेकिन तुम क्या करो, पानी में डाल दो सोना, तो गोलेगा कि नहीं गोलेगा? तुम्हें घोलना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पानी में सोना डाल दोगे तो क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा, नहीं बनेगा ना। अगर तुम अट्रैक्शन शो नहीं करेगा तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। सुनो पहले, देखो जो हाइड्रोफिलिक होते हैं इनको हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सोल्स बोलते हैं। इंट्रिंसिक मतलब इनको बनाने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंसी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, अपने आप से बन जाते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोफिलिक होगा वो कैसे बनेगा बेटा? अपने आप से। तुम लोग क्या करो, पानी लो, पानी में क्या करो, ग्लूकोज डाल दो, कुछ और करने का जरूरत नहीं है, अपने आप से घुल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर तुम लोग पानी में क्या किए, सोना डाल दिए, कोई मेटल डाल दिए, तो वो नहीं घुलेगा। नहीं घुलेगा, तुम्हें घोलने के लिए तुम्हें एफर्ट करने पड़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस वजह से दिया एक्सट्रिंसिक इन नेचर। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कॉलॉइड। आया ना? बट कॉलॉइड बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट रहता है, इन केस ऑफ किसमें? इन केस ऑफ हाइड्रोफोबिक में। ठीक है ना? इसका मतलब इनमें नो एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड। इस वक्त हम लोगों को एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए। किसे बेटा? हाइड्रोफोबिक में, हाइड्रोफिलिक में, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एक अच्छी बात यह है कि दे आर रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं? रिवर्सिबल। ठीक है ना? ये कैसे होते हैं बेटा? रिवर्सिबल होते हैं। ये जो होते हैं वो होते हैं इरिवर्सिबल। इसका मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इरिवर्सिबल देखो, मान लो तुम लोगों ने क्या किया, ग्लूकोज प्लस वाटर का एक कॉलेट तुम लोगों के पास में, तुम लोगों ने क्या किया, उनको ग्लूकोज और वाटर को अलग अलग कर दिया। अलग करने के बहुत सारे तरीके, तुम लोग रख दिए, गर्म कर दिए, पानी उड़ गया, ग्लूकोज रह गया, हो गया अलग अलग, दोबारा पानी डाल दिए, फिर से बन जाए। रिवर्सिबल नेचर आया ना? तुम्हारे पास में क्या था, तुम लोगों ने जबरदस्ती कैसे करके गोल्ड का सोल बनाया। कैसे बनाया? गोल्ड को बैठ कर तोड़े, पार्टिकल दे गए, एक नैनोमीटर से छोटा, मतलब 1000 छोटा होगा, ठीक है, घुल जाएगा। कॉल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से छोटा करना पड़ेगा ना। तुम लोग छोटा कर करके उसके अंदर डाल दिए। छोटा करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक अच्छा वास्ता मेथड बताएंगे, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, छोटा करने का पार्टिकल के बहुत सारे तरीके, तुम पीस पीस से कर दो, क्या दिक्कत है, तुमसे हो जाए तो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन जिस तरीके से तुम लोग उसको छोटा करके उसके अंदर डाल सकते हो, वो एक मेथड होगा किस चीज का, बनाने का। ठीक है, तो कॉमनली हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है ना? तो तुम लोग क्या करोगे, पार्टिकल को 1000 नैनोमीटर से छोटा करके किसमें डालोगे, पानी के अंदर डालोगे। सॉल्यूशन तुम लोग बना लिए। अब तुम क्या किए, उस सॉल्यूशन से किसी भी तरीके से गोल्ड निकाल लिए, फिर तुम गोल्ड डाल लिए, बन जाएगा क्या? फिर छोटा करना डालना पड़ेगा, छोटा करके पंगा रहे कि नहीं रहा? अगर तुम लोगों ने पार्टिकल्स को वापस निकाल लिया उसके अंदर से किसी मेथड से, पहले तो कॉलेट था, गोल्ड तुम्हें मिला, गोल्ड को फिर तुम डाल लिए, तो क्या फिर से कॉलेट बन जाएगा? नहीं बनेगा। पार्टिकल को फिर से सेम साइज का थोड़ा छोटा करके डालना पड़ेगा ना। बेटा बात ये, तुम लोग क्या किए, मान लो उसको हीट करोगे तो क्या तुम्हें गोल्ड के पार्टिकल अलग अलग मिल जाएंगे, चिपके साथ में मिलेंगे? साथ में ही मिलेंगे ना, सब एक साथ इकट्ठा हो गए। अलग अलग थोड़ी पार्टिकल मिल रहा है, तुम एक पार्टिकल निकाल लिए, ठीक है, खुश हो गए, ऐसा थोड़ी हो रहा है। सारे पार्टिकल इकट्ठे मिलेंगे, फिर डालोगे उनको, फिर से बनेगा कॉलर? नहीं, सैडल पड़े रहेंगे नीचे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कोई दिक्कत? दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, ये कहानी क्लियर है यहाँ तक? लिखो पहले। हाँ सर, क्या कह रहे थे तुम? गोल्ड को, हाँ बताओ और बताओ उसके आगे। उसके बाद तुमने, हाँ उड़ा दिया, हाँ सॉलिड फॉर्म में तो, हाँ सही बात है, 100 डिग्री में गोल्ड तो उबलेगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। हाँ हाँ, हमने मना नहीं किया, ये बोल रहे हैं फिर क्या करें? अरे सॉलिड को रिवर्स करना है कि तुम्हें सॉलिड को रिवर्स करना है? रिवर्स क्या करना है तुम्हें? ना ना बेटा, कॉलोइड को रिवर्स, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो रिवर्स किसको करना है? दोबारा बताओ क्या कह रहे थे? गोल्ड तुम्हारे पास में, तो तुमने गोल्ड डाल दिया, गोल्ड ले लिया, रिवर्स हो गया। अरे कॉलोइड रिवर्स करना है, गोल्ड रिवर्स नहीं करना। दोबारा डालो गोल्ड को। कॉलोइड वापस बन रहा है कि नहीं बन रहा? हमें क्या करना, गोल्ड को रिवर्स करने की बात चल रही है? अरे दुनिया का हर प्रोसेस तुम रिवर्सल बता दोगे? समझ आ रहा है यहाँ तक? कुछ कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो इसके आगे लिखो बेटा, इसके आगे लिखो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। ये दूसरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? हाँ, नेक्स्ट मेथड और लिखो वाटर के लिए। हाँ कोई भी, हम लोग बेसिकली हम लोग किसमें डालेंगे? पानी में डाल के बनाएंगे, बट और भी हम लोग कोई लिक्विड ले सकते हैं। बात बेसिकली लिक्विड की, नाम हाइड्रो है, लेकिन कोई भी लिक्विड लेके हम लोग बना सकते हैं। कोई दो के बीच में लिक्विड, लिक्विड है नहीं, इसलिए मैं इसमें स्पेसिफिकली वाटर नहीं लिखा, लिक्विड लविंग लिक्विड हीटिंग लिखा हूँ ना। हाँ डीएम कोई लिक्विड होना चाहिए। आगे लिखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डीपी, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डीपी, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डीपी, ठीक है ना? डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के साइज के बेस, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के साइज के बेस पर जो पार्ट बेटा, इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। जो कॉलेड हम लोगों के पास में होगा उसको कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे हम लोग? तीन में। एक होता है हम लोगों के पास मल्टी मॉलिकुलर, क्या होता है? मल्टी मॉलिकुलर, ठीक है ना? दूसरा हम लोगों के पास में होता है बेटा क्या? मैक्रो मॉलिकुलर। और तीसरा होता है बेटा क्या? एसोसिएटेड कॉलेड्स, एसोसिएटेड है ना, देख लेते हैं। हाँ तीसरा लिखो बेटा, एसोसिएटेड कॉलेड्स। तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एसोसिएटेड कॉलेज, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर, एसोसिएटेड, ठीक है सर? मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर, एसोसिएटेड। देखो बहुत ही आसान आसान टर्म है, लिख दिया सबने? देखो मल्टी मॉलिकुलर में क्या होता है, सुनो पहले। जो पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज कैसा होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, सुन लो पहले। 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल कॉलाइड बना सकता है क्या? कौन बनाएगा? एक से बड़ा, 1000 से छोटा। तो पार्टिकल छोटा होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। ये जो पार्टिकल होगा वो किस रेंज में आ जाएगा? 1 नैनोमीटर से बड़ा, 1000 नैनोमीटर से छोटा। जैसे सल्फर, अकेला सल्फर छोटा, मिलके कितना बना लिया? 8। क्या हो गया? मल्टी मॉलिकुलर। बहुत बेसिक कहानी है, सुन लो बेटा। मैक्रो मॉलिकुलर में क्या होगा? पार्टिकल कैसा होगा? बड़ा। कितना बड़ा? 1000 नैनोमीटर से बड़ा। This breaks into छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है सर? एन नंबर्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स मिल जाएंगे बेटा। ये जो पार्टिकल्स है इनका साइज कैसा होगा?
एक नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा, जैसे स्टार्स है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे सेलुलोज है ना, जैसे ग्लाइकोजन ईटीसी। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या ईटीसी है ना, दुनिया के हर जगह पे ये काम कर जाता है, किसी भी चीज में लगा सकते हो। स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन मतलब पॉलीमर्स का, जनरली हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोगों के पास से पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स कैसे होते हैं, पॉलीमर बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। अरे पॉलीथिन तो इतना बड़ा भी है, इतना बड़ा भी पॉलीथिन। सेलुलोज तो बहुत बड़ी चीज, ऐड करते जाओ किसको, कौन सा ग्लूकोज, कौन सा अल्फा, इनसे थोड़ा पूछ लो सही, ज्यादा नहीं पढ़े वैसे सर हमने पढ़ा है, तुम तो बहुत ग्राफ्स पढ़े हैं तुमने, कौन सा होता है लिंकेज इसमें, C1 C6। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कहानी समझ में आ रही है, देखिए एसोसिएटेड में क्या रहता है, एसोसिएटेड कॉलेट्स जो होते हैं एक्चुअली दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया कुछ, बड़े कौन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा समझो कि तुमने पानी में क्या डाली, वॉशिंग पाउडर डाल दी, एक मोल डाला तो क्या करेगा वो, क्या होते हैं वॉशिंग पाउडर, सोडियम स्टेरेट पोटेशियम स्टेरेट C17H35CONa और K, ऐसे होते कुछ, क्या होते बेटा C17H35CO-Na+ या K+, सोडियम स्टेरेट बोलते हैं, ये वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला है। घर पे बोल दो सोडियम स्टेरेट डाल दो आज कपड़े धोने के लिए, मार पड़ेगी। थोड़े क्या होते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालोगे तो कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट किधर है, आया ना, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। लेकिन जैसे ज्यादा डालोगे तो क्या करते हैं बेटा, अगर इनको ज्यादा डालोगे तो क्या करते हैं, दे एसोसिएट टू फॉर्मेशन, ठीक है करते बेटा, बहुत लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जैसे बढ़ेगा ये एसोसिएट करके क्या करते हैं, मिसल फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, associated colloids बोलते हैं। तो at lower concentration they behave as electrolytes, at lower concentration they behave as electrolytes, but as the concentration is increased at lower concentration they behave as electrolytes, but as the concentration is increased, they associate to form micelle, to form M-I, spelling bolo, C-E-double-L-double-E, ya A-K, ठीक है, तो M-I-C-E-double-L-E, है ना, तो दे बेटे क्या करते हैं, micelle बनाते हैं, M-I-C-E-double-L-E, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, ये लिखने दें, फिर ये पढ़ा तो लें, ठीक है ना, बेटे क्या करते हैं इकट्ठा होकर क्या करते हैं, मिशेल बना लेते हैं, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। देखो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कहीं ना कहीं लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट, बढ़ते गए यहाँ जाके क्या मिला, पहली बार मिशेल मिला। तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिससे मिशेल बनता है उसको हम लोग क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, CMC, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिशेल, आया ना, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिशेल, इसके लिए सोप के लिए 10 to the power minus
-4 से -3 का ऑर्डर सीएमसी होता है, इतना मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन लिख रहे हो ना तुम लोग, सीएमसी लिख के छोड़ दिए हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको तो लिखो ना एटलीस्ट। तो तुम कैसे लिख, बाद में बोलो हमने तो लिखा ही नहीं था, हम क्या करें, तुमने लिखवाया नहीं कॉपी में हमारे, इनके कॉपी मिलेगा फिर तुम्हारे, मिलेगा ना। क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिशेल इज नोन एज क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। लिख दिया, अब पूरा कहानी लिख लो फिर आगे पढ़ाएंगे, ये कैसे कपड़े साफ होते वो भी सिखाएंगे। हाँ, सीएमसी है सोप के लिए, क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन सोप के लिए, यही तो बेटा, इतना कॉन्सेंट्रेशन पे मिशेल बन जाता है, ठीक है सर, लिखो तो। इतना कॉन्सेंट्रेशन में क्या बन जाता है, हाँ सर क्या कह रहे हो तुम, कौन मल्टी मॉलिक्यूलर, कैसे भी कंबाइन हो सकते हैं, या तो केमिकली कंबाइन हो, कंबाइन होने का कोई एक प्रॉपर वे नहीं है, ठीक है ना, कैसे भी कंबाइन हो जाए बस। लिख दिया सर, ये कॉन्सेंट्रेशन लिखे हम ऊपर की तरफ जा रहे, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, तो नीचे इलेक्ट्रोलाइट बढ़ते बढ़ते गए, एक टाइम पे क्या मिला, मिशेल बना, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। हाँ, मैक्रोमोलिकुलर में क्या बताएं, एक्चुअल में बड़े साइज का होता है, टूट के छोटे पार्टिकल बन जाते हैं। स्टार्च जानते हो, उसको तोड़ दो फिर भी स्टार्च ही रहेगा, लेकिन तोड़ के किस रेंज में ले आओ, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में, तो क्या बन गया, स्टार्च जो लार्ज मॉलिक्यूल ना, कितना बड़ा होता है, सी सी कितना, सी कितना होता है स्टार्च में, सी कितना पता नहीं है, स्टार्च का पूछ रहे हैं तुमसे बायो वालों से, सी कितना होता है उसमें, रुक जाओ ना एक मिनट, सी कितना होता है पता नहीं है ना, बहुत बड़ा ना, सी ज्यादा होगा पता नहीं कितना बड़ा चेन बनेगा, तुम उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा बना दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बस तुमसे तो पूरे बायोमॉलिक्यूल में सीसी कैस्ट्रोल वो सिक्सी बताते रहोगे। हाँ सर क्या कह रहे थे, कोई कुछ पूछ रहा है सर, वो एक्चुअली डार्क के बारे में है, एक्चुअली दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज तो होता ही छोटा है अपने आप में, हाँ सभी का फॉर्मूला सेम है, एन लग जाता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज सब सेम है। हाँ स्टार्च का भी बोल सकते हो कि देखो अगर ऐसा सोचो तो यही नहीं है, देखो ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज और हाँ सेलुलोज, सेलुलोज शुक्र ग्लूकोज शुक्र दोनों से मिलके बना होते हैं, है ना, तो वो भी फॉर्मूला अगर सोचो तो उसका ट्वाइस हो जाएगा, पानी निकाल देंगे लेकिन उसमें से ना, तब एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन ये सब सब एक ही जैसा बायोमोलिक्यूल, जब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी उसके बाद। लिखो डायडी, लिखो एक क्राफ्ट टेम्परेचर सी के आर एफ टी क्राफ्ट, ना तो गलत लिखा मुझे लग रहा है इस पहले, देखना इसमें क्राफ्ट टेम्परेचर का स्पेलिंग क्या है, सी आर एफ टी है कि क्या, सी आर एफ टी होगा, देखो
लिखो तुम क्राफ्ट टेम्परेचर सी आर एफ टी, क्राफ्ट टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर इसको बोलते हैं टी के, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो क्राफ्ट टेम्परेचर लिखो इसमें, कौन सा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स में ये रहा। लिखो द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, द टेम्परेचर एट विच मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर, इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है सर, लिखो फॉर सोप क्राफ्ट टेम्परेचर इज, हम लोग सोप फॉर्मेशन सोप में जो स्टीरेड आयन के लिए जो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर ही लिया जाता है। लिख लो बेटा सोप के लिए जो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है दैट इज रूम टेम्परेचर। ठीक है सर, अब मिशल क्यों बनता है वो तुम लोग जानते हो ना, नहीं जानते क्यों बनता है बताओ जल्दी से। प्योर वाटर में नहीं बनेगा। देखो मिशेल फॉर्मेशन सुनो बेटा, सुन लो, अगर तुम लोग डिस्टिल वाटर लोगे तो मिशेल नहीं बनता क्या उसमें? डिस्टिल वाटर में पानी में सोप डाले तो बनेगा कि नहीं बनेगा मिशेल? देखो बेटा मिशेल ऐसा, हम लोगों के पास में एक स्टीरेट आया ना CO माइनस, ठीक है, ये जो पार्ट होता है बेटा वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, आया ना हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है ना। तो बात ये जब ये पानी में जाता है तो ये वाला पार्ट जो होगा वो रिपल्सन शो करने लगता है, और ये मॉलिक्यूल बड़ा परेशान होता है इस रिपल्सन की वजह, तो क्या चाहेगा बेटा कैसे भी रिपल्सन दूर हो जाए, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रिपल्सन को दूर करने के लिए क्या करेगा, वो सोचेगा कैसे ये किसके कॉन्टेक्ट में ना आए, वाटर के कॉन्टेक्ट में ना आए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा तुम लोगों को। तो क्या चाहेगा कि जो मॉलिक्यूल तुम लोगों ने पानी के अंदर डाला है उसमें अट्रैक्शन भी है रिपल्शन भी, एक पार्ट है जो रिपल्शन शो कर रहा है, वो कोशिश करेगा कि ये वाला पार्ट क्या करे, वाटर के कॉन्टेक्ट में अगर नहीं आएगा तो हम स्टेबल रहेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वही वो करता है, वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देते, तो आप क्या करते हैं बेटा वाटर में कॉन्टेक्ट में ना आने के लिए पूरा प्लानिंग करते हैं कि इसको वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे के होके एक गोला बना लेते हैं, और क्या करते बेटा ये वाले पार्ट को अंदर भेज देते और सब रहते हम बोले हम रहेंगे पानी के साथ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं हम लोग मिशन। अब ये वाला पार्ट जो होता है दैट इज अवे फ्रॉम वाटर, ये वाला पार्ट आपस में मजे में, ये पानी के साथ मजे में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मिशेल देखो ना तो कैसा रहेगा, जो ऊपर होगा वो कौन होगा, नेगेटिव चार्ज, किसके कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में, अंदर वाला पार्ट अपने आप में, ठीक है, तो मिशेल बन गया। ठीक है, इसी वजह से मिशेल बनता है, कोई दिस समस्या नहीं है। अगर तुम लोगों के पास है मान लो कोई कपड़ा बैठा उसमें कोई ऐसा होगा या कोई डस्ट का पार्टिकल इधर, तो क्या कहा जाए, होगा क्या, ये जो पार्ट है बेटा इसके साथ में इसका अट्रैक्शन शो करने वाला पार्ट ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला पार्टिकल किसके कांटेक्ट में रहेगा बाहर से, वाटर के कांटेक्ट में, अट्रैक्शन किसका था, वाटर का किसका, इसका ही ना, तो वाटर ज्यादा होगा, तो
वाटर के साथ में घूम रहा है तो पार्टिकल इसको भी साथ में घुमा ले जाएगा, मिट्टी को निकाल ले, इसको क्लीनिंग एक्शन बोलते हैं। साथ कैसे कर लेते समझ में आ रहा है ना, तो ये वाला पार्टिकल इससे अट्रैक्शन शो कर ले और खींच ले जाएगा इसको बाहर, बन गया मिक्सचर। यही थोड़ा सा बेसिक कहानी है इसका, ठीक है लिख दिए सब, चलो लिख दिया ना, लिख दो बेटा एक छोटा सा लिख देना इतना। ये सर क्या कार्बन चेन है? ये कार्बन चेन है ना फिर आपने बनाई है? हो गया सर इतना, चलो लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलेट्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलेट्स, ठीक है आधा घंटे बाद दोबारा मिलेंगे जब पढ़ाएंगे, ठीक है सर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलेट्स।